कविता और मनोज हैं, क्या कह रहे हैं। बुलिया हिजरत विच इस्लाम दे, मेरा नित्य है खास आराम, नित नित मरा ते नित नित जीवा, मेरा नित नित कूच मुकाम। फिर पढ़े देते। बुलिया हिजरत विच इस्लाम दे, मेरा नित है खास आराम, नित नित मरा ते नित नित जीवा, मेरा नित नित कूच मुकाम। ठीक है। मैं भी हजरत पैगंबर की तरह हिजरत करता हूँ, यात्रा करता हूँ, बुल्ले शाह कह रहे हैं। लेकिन मेरी यात्रा ऐसी है कि वो तब शुरू होती है जब मैं बिल्कुल शांत आराम विश्राम की हालत में होता हूँ। मेरी हिजरत विश्राम में होती है। मेरा मंजिल की तरफ सफर ऐसा है कि मैं रोज मरता हूँ, रोज जी उठता हूँ, क्योंकि भीतर की यात्रा ही कुछ ऐसी है जिसमें जीना मरना साथ साथ है। आचार्य जी प्रणाम। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि मेरी यात्रा ऐसी है कि वो तब शुरू होती है जब मैं बिल्कुल शांत आराम की अवस्था में होता हूँ, परंतु मेरी यात्रा जैसी है और जब से शुरू हुई है वो शांति और आराम की हालत में तो नहीं चल रही है। तो क्या मेरे भीतर की यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है? भीतर की यात्रा ही कुछ ऐसी है जिसमें जीना मरना साथ साथ है। आचार्य जी, साथ साथ जीने मरने की मन की यात्रा कैसे की जा सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। इन पंक्तियों को थोड़ा समझेंगे। जो अर्थ आपने लिख करके भेजा है, अर्थ उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। चलिए, कोई बात नहीं। बुल्ले शाह कह रहे हैं कि नित्य की ओर यात्रा, ये जो नित्य आया है ना, यही नित्यता सब धर्म का ध्येय है। यही नित्यता सब धर्म का ध्येय है। किस यात्रा की अब बात कर रहे हैं बुल्ले शाह? बुल्ले शाह कह रहे हैं मेरी हिजरत इसी में है कि मैं नित्य में जीता हूं और नित्य में ही मरता हूं। मेरा नित्य नित्य कूच मुकाम, यात्रा भी उसी में है और मंजिल भी वही है। कूच भी उसी में है और मुकाम भी वही है। तो समझाना क्या चाह रहे हैं? समझाना ये चाह रहे हैं कि दुनिया में यात्रा कैसे करनी है, दुनिया में जीना कैसे है। यात्री हम सभी हैं, जीवन एक यात्रा है। समय बीतता है, तुम अभी यहां हो, तुम कहीं और हो जाते हो, तुम अभी ऐसे हो, तुम अब वैसे हो जाते हो। तो कैसे जिया जाए, ये प्रश्न ऐसा ही है जैसे कोई पूछे यात्रा कैसे करनी है। जीवन यदि यात्रा है तो जीने की कला यात्रा करने की कला है। ठीक, यात्रा कैसे करनी है, प्रश्न गंभीर है, क्योंकि अभी तुम कुछ और हो, थोड़ी देर में कुछ और हो जाते हो। ये यात्रा ऐसी है जिसमें यात्री ही बदल रहा है। कैसे जिए, क्या करें? बुल्ले शाह अपना उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। बोलते हैं देखो मैं कैसे जी रहा हूं, जैसे मैं जी रहा हूं वैसे ही जी लो, अपनी बात बता देता हूं, तुम्हें रुचे तो अपना लो।
मेरा नित्य है खास आराम। जगत में जब तक हो तब तक तुम्हें तनाव और बेचैनी अनुभव होते ही रहेंगे। इन सबको बाहर ही बाहर रहने देना। कभी एक प्रकार का तनाव होगा, कभी दूसरी प्रकार का तनाव होगा, कभी सुख का तनाव होगा, कभी दुख का तनाव होगा, सब गुजरते जाएंगे एक के बाद एक करके। बाहर बाहर तनाव रहा आए, भीतर नित्यता रहे आराम की। यात्रा कैसे करनी है ये समझ रहे हैं हम। यात्रा में कभी दिन होगा, कभी रात होगी, कभी थकान होगी, कभी ऊर्जा होगी, कभी उदासी होगी, कभी उत्साह होगा। ये सब बाहर ही बाहर रहे, भीतर एक भाव समभाव बना रहे, उसी का नाम बुल्ले शाह दे रहे हैं आराम। भीतर वो आराम बना रहे, बाहर आराम मिलने नहीं वाला, क्योंकि पथिक हो, यात्री हो तुम। पथिक को तन मन का कैसा आराम? कभी ये झमेला आएगा, कभी वो झंझट आएगा, पैदा हुए हो तो ये सब तो लगा ही रहेगा, पर जीवन जीने की कला इसमें है, यात्रा की कला इसमें है कि झंझट बाहर बाहर लगे रहे और भीतर एक चीज है जो नित्य रहे, कभी न डिगे, और उसका नाम है आराम। ऐसे करनी है यात्रा। इसी तरह कह रहे हैं, नित्य नित्य मरात नित्य नित्य जीवा, प्रतिपल बदल रहे हो तुम इस यात्रा में, अभी ये हो अभी वो हो, कोई एक पहचान नहीं है जो शाश्वत है। और जब कोई एक पहचान शाश्वत नहीं होती तो बड़ा हड़कंप मचा रहता है। कभी तुम्हें कुछ बनना होता है, कभी तुम्हें कुछ बनना होता है, जैसे कि रंगमंच पर हो, जहां हर 5 मिनट में तुम्हारा किरदार बदल जाता है, तुम टिक ही नहीं पाते, तुम चैन की सांस ही नहीं ले पाते, सेटल ही नहीं हो पाते, जहां तुम सोचते भी हो कि अब कोई चीज ठहरी, थमी, टिकी, तहां वो बदल जाती है। जो भी चीज लगता है कि अब थोड़ी स्थायी हुई, वही गुजर जाती है। तो बुल्ले शाह हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं, ये जो मंच पर जीने मरने का खेल लगा हुआ है, ये जो मंच पर निरंतर बदलती पहचाने हैं, इनके पीछे, इनके नीचे, इनके मूल में एक पहचान तुम्हारी शाश्वत रहे, और वो है नित्यता की, अन्यथा जी नहीं पाओगे, यात्रा नहीं कर पाओगे। बाहर बाहर पहचाने बदलती रहे, जीना मरना माने पहचानों का बदलना। अभी तुम पति थे, अब तुम डॉक्टर हो गए, उतनी देर के लिए पति छूट गया, पीछे चला गया, मर गया, डॉक्टर जिंदा हो गया, और अभी घर आओगे, डॉक्टर फिर मर जाएगा, पति पुनर्जीवित हो जाएगा। अभी तुम ज्ञानी हो, थोड़ी देर में पता चला कि जो बोल रहे थे गलत था, अपनी नजरों में अनाड़ी हो गए, ज्ञानी मर गया, अनाड़ी जिंदा हो गया। थोड़ी देर में कहीं से फिर ज्ञान आ जाएगा, कहोगे मैं ज्ञानी हूं, अनाड़ी फिर मर जाएगा। नित नित जीवा तो नित नित मरा, ये जीने मरने का खेल बाहर बाहर चलता रहे, भीतर तो तुम वो रहो जिसका न जन्म होता है न मृत्यु। बाहर पहचाने बदलती रहे, भीतर तुम अनंत अमर शाश्वत अविनाशी आत्मा रहो। बाहर तो विनाश का ही खेल है, बाहर तो कभी कोई पैदा होगा, कभी कोई मरेगा, संसार में और है क्या, कोई आ रहा है कोई। मेरा नित नित कूच मुकाम, ऐसे जियो जैसे लक्ष्य मिला ही हुआ है। यात्रा का गुर, यात्रा का हुनर यही है, कूच यूं करो जैसे मुकाम पर पहुंचे ही हुए हो। संसार में यह बात अजीब लगेगी, क्योंकि संसार में तो कूच उत्साह और ललक के साथ तभी होता है जब मुकाम दूर हो। तुम कहते हो आगे बढ़ो, हासिल करना है, पर अध्यात्म की यात्रा दूसरी होती है। अध्यात्म में परमात्मा की ओर बढ़ा जाता है, परमात्मा को हृदय में बसा के, क्योंकि अगर वो हृदय में बसा नहीं हुआ है तो तुम उसकी ओर बढ़ ही नहीं सकते। यानी कि जिसके पास पहुंचना है, पहले
उसको दिल में बसाया जाता है, उसे बिल्कुल पास बैठाया जाता है, तब उसके पास पहुंचते हो। मुकाम के पास पहुंच जाओ फिर कूच करो मुकाम की ओर। बात ही अजीब है सुनने में। अब इतना समझा के बोलने तो अजीब ही हो जाएगी। बाबा बुल्ले शाह को कितनी आजादी है, कितनी बेफिक्री है, दो पांत में सब बोल गए। मेरा नित नित कूच मुकाम, ये बात बहुत बाद में जैन ने भी बोली और बहुत दूर बिल्कुल अलग संदर्भ में। वंस यू रीच द माउंटेन टॉप कीप क्लाइंबिंग। बल्कि असली चढ़ाई शुरू ही तब होती है जब तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हो। उससे पहले क्या चढ़ाई करी तुमने? यात्रा की शुरुआत ही तब होती है जब तुम मंजिल पर पहुंच गए। तो यात्रा करनी है तो तुम्हें इसी धारणा, इसी धर्म के साथ करनी होगी कि मंजिल अति निकट है, मैं मंजिल ही हूं, मुझ में और मंजिल में कोई अंतर नहीं। और धर्म के लिए ये जितना आवश्यक है कि तुम परमात्मा को अपने अति निकट मानो, उतना ही खतरनाक भी है अगर तुमने परमात्मा को हृदय की जगह मन में बैठा लिया। सावधान कर रहा हूं। जब ये मानोगे कि परमात्मा हृदय में तो है पर और कहीं नहीं, बहुत दूर है, तो यात्रा कर पाओगे। पर अगर तुमने परमात्मा को विचार बना लिया और कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा ही हूं, तो तुम्हारी यात्रा शुरू ही नहीं होगी। तो एक ओर तो तुम में विरह होनी चाहिए कि बहुत दूरी है, बहुत दूरी है, और दूसरी ओर जिससे दूरी है उसे हृदय में बैठाना होगा ताकि दूरी को पाट सको। ये बात समझने में आसान नहीं, समझो इसको। एक ओर तो लगातार विरह का दुखदाई एहसास होना चाहिए और दूसरी ओर ये विश्वास, ये श्रद्धा भी होनी चाहिए कि जिसको पाना है वो पराया नहीं, वो बैठा तो यही है, बैठा यही है, बस दिख नहीं रहा। ये समझना जरूरी है। पास है पर दिख नहीं रहा। तो यात्रा पाने के लिए नहीं है, यात्रा उद्घाटित करने के लिए, दर्शन के लिए यात्रा है, प्राप्ति के लिए नहीं है। तो यहीं पर यात्रा इसलिए कर रहा हूं कि दिख जाए, दूर नहीं है। अगर तुमने यह मान लिया कि यहीं पर है और मैं उसे जानता भी हूं, तो तुमने फिर उसे हृदय में नहीं, मन में बैठाया, क्योंकि तुम जिस ज्ञान की बात कर रहे हो तो मानसिक है, वो मन का एक विचार है। जो लोग परमात्मा को मन का विषय, मन की एक वस्तु बना लेते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। भक्त में दोनों बातें होनी चाहिए, एक विकल वेदना कि मुझसा गिरा हुआ कौन है, इतनी दूरी बना ली मैंने, और दूसरी ओर एक अडिग श्रद्धा कि हो तो तुम यहीं पर, छुपते कब तक फिरोगे, क्यों ओले बै बै झांकी दा, ए पर्दा किस तो राखी दा, किससे पर्दा कर रहे हो और कब तक करोगे पर्दा, खोज ही निकालूंगा। बात समझ में आ रही है? ना तो यह कह देना है कि बहुत दूर है और ना यही कह देना है कि मैंने पाई लिया मुट्ठी में है। पास होके भी दूर है और यही तो वेदना है कि इतना पास फिर भी इतने दूर। अगर सिर्फ दूर होता तो यात्रा ही नहीं कर पाते, अगर सिर्फ पास होता तो यात्रा करें क्यों? अगर सिर्फ दूर होता तो यात्रा करते कैसे? क्योंकि सारी ऊर्जा, सारी शक्ति तो उसी से आनी है, और अगर वो दूर है तो यात्रा करने की ऊर्जा ही नहीं आएगी। अगर सिर्फ दूर होता तो यात्रा कर नहीं पाते, अगर सिर्फ पास होता तो यात्रा की जरूरत क्या है? जीवन की यात्रा हमें इसलिए करनी है क्योंकि वो पास है तो, पर हमारी नजरों में दूर है। वास्तव में पास है, हमारी नजरों से दूर है। तो ये है जीवन की यात्रा करने का हुनर।
और वही है जीवन की यात्रा का एकमात्र लक्ष्य। उसके अलावा जीने का कोई लक्ष्य नहीं है। आप कितना भी बोल लो कि मेरा ये विजन है, मेरा वो सपना है, सब बेकार की दो कौड़े की बचकानी विक्षिप्त बातें हैं। आप बता दो कि मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है कि एक दिन आदमी मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाए, आप बेवकूफी की बातें कर रहे हो। आप जानते ही नहीं हो आप हो कौन। मंगल ग्रह क्या है? गहराई में उतर के देखोगे तो तुम्हारे सपने का एक कंकड़ है मंगल ग्रह। तुम्हारे सपने का एक कंकड़ जीवन का लक्ष्य कैसे हो सकता है? तुम और बड़ी बातें कर लो कि मेरे जीवन का लक्ष्य यह है कि मैं पृथ्वी को क्लीन और ग्रीन एनर्जी देना चाहता हूं। तुमने बहुत बड़ी बात कह दी, तालियां, लेकिन फिर भी तुम जो कह रहे हो वो जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। जीवन का तो एक ही लक्ष्य है, और वो जानने के लिए तुम्हें पता करना पड़ेगा तुम कौन हो। जब तुम्हें यही नहीं पता तुम कौन हो, तो तुम इधर उधर के विजन और मिशन की क्या बात करते हो? पर हम बिल्कुल बहक जाते हैं, हम बिल्कुल प्रभाव में आ जाते हैं। कोई कहता है कि मेरे जीवन का ये लक्ष्य है कि अगले 10 साल में अपनी कंपनी की शाखाएं 10 और देशों में खोलनी है, और इसका टर्नओवर मुझे 20 गुना कर देना। हम कहते हैं क्या बात है, क्या बात है, कौन सी कंपनी, कौन से देश, कहां है देश, किस कंपनी की बात कर रहे हो, कौन हो तुम, कुछ होश भी है? सारिका से खानी है दिल्ली से, अष्टावक्र गीता से उद्धरण भेजा है, प्रकरण 2 श्लोक क्रमांक 3। शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। प्रणाम आचार्य जी, यह कौन सा कौशल है जो साधक को अपनाना चाहिए? एक सत्संग में आपने कहा था कि जब भी कोई वासना या विकार आए तो उससे कहना कि कल आना। क्या यह इसी तरह का कौशल है या कुछ और? कृपया मार्गदर्शन करें। कोई एक विशिष्ट कौशल होता तो मुनि अष्टावक्र ही बता गए होते ना सारिका। उन्होंने भी देखो बात को खुला छोड़ दिया है, ओपन एंडेड कह रहे हैं, शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। किसी कौशल द्वारा, कोई विशिष्ट कौशल नहीं है, कोई कौशल है। और वो कौशल फिर किस पर निर्भर करता है? वो आप पर निर्भर करता है। आत्मा में तो कोई कुशलता होती नहीं, सब कुशलताएं और अकुशलताएं अहंकार की ही होती हैं। माने किसके कौशल की बात हो रही है? उसी के कौशल की बात हो रही है जिसको मुक्ति चाहिए। आत्मा को तो मुक्ति चाहिए नहीं, अहम को मुक्ति चाहिए स्वयं से। तो ये कौशल भी फिर किसको आना चाहिए? अहम को आना चाहिए। क्या कौशल है जिसकी बात हो रही है? अपने बंधन को पहचानो और उसे तोड़ने की युक्ति खोज निकालो। कैसे खोज निकालोगे वो युक्ति? उसके लिए बुद्धि है, उसके लिए प्रेम है, उसके लिए तुम्हारे पास स्मृति है और ज्ञान है। पशु अगर बंधन में है, पाश में है, तो उसके लिए पाश से निकलना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि साधन नहीं दिए गए ना उसको। मनुष्य को साधन दिए गए हैं, सबसे बड़ा साधन है मन, चेतना, और मन के ही हिस्से हैं बुद्धि, स्मृति, मन की ही सामग्री है ज्ञान। इन सब का प्रयोग करके अपने बंधनों को पहचानते हुए काटते चलो। अक्ल वैसे तो हमारी छोटे छोटे मसलों पर खूब चलती है, चलती है ना, जरा जरा सी बात पर बुद्धि खूब लगा देते हो। जब मुक्ति का मुद्दा आता है तो अक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तब भोंदू क्यों बन जाते हो? जहां खोपड़ी चलनी चाहिए वहां क्यों नहीं चलाते?
एक बार दिख गया कि हथकड़ी लगी हुई है, अब बुद्धि क्यों नहीं लगा रहे कि इसको काटे कैसे, खोले कैसे, चाबी कैसे हासिल करें? या बुद्धि इसीलिए है कि उसे फिजूल के मसलों में व्यर्थ करो? जो कुछ है आपके पास सब आपके कौशल का हिस्सा है, लेकिन उसके लिए पहले पहचानिए कि आपके बंधन क्या हैं और कुशलता से उन्हें काटिए। इस काटने के पश्चात ही वो होता है जिसका उल्लेख है कि मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है, अहम को परमात्मा का दर्शन होता है जब अहम स्वयं को ही साधन बनाकर स्वयं के ही बंधन काट देता है।